हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैजंती। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूं, वो बहुत ही सिंपल है, यूनिक है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आज मैं बनाने जा रही हूं खट्टी मीठी उड़द दाल की चटनी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनती है। ये मैंने यहाँ पे दाल ली है लगभग 50 ग्राम, जिसको मैंने धो के रखा हुआ है। जीरा ले लिया है 1 चम्मच, गुड़ ले लिया है 2 चम्मच, 5-6 लहसुन की कलियां और 1 टुकड़ा अदरक का, 1 नींबू ले लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 चम्मच, 1 कटोरा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना, नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले जो दाल है इसको हमने भून लेना है थोड़ा। इसके लिए मैं एक पैन लूंगी और उसमें इसको भून लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसे थोड़ा स्मेल आने लग जाएगी भूनने की, तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए भूनने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और इसको भी साथ में भून लेंगे। इसके अब ये भून चुका है, इसको ठंडा होने देंगे। अब ये दाल ठंडी हो चुकी है तो हम ले लेंगे एक जार, एक मिक्सर जार लेके अब हम इसमें डाल देंगे दाल। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना। साथ में डालेंगे अदरक लहसुन, गुड़, हरी मिर्च और नींबू का रस डाल देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे नमक, इस स्वाद अनुसार डाल देंगे। बस अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसको एक बार फिर से हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पीस गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी खट्टी मीठी उड़द दाल की चटनी। आप इसे घर पे बनाइए, खुद खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। आपको कैसी लगी ये रेसिपी तो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।